इस टैटू को लेकर, चाहे पेन होता है या नहीं, चीख रहे हैं टैटू बनाते हुए, रो रहे हैं, मिसलीडिंग वीडियोस आजकल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज बहुत दिनों के बाद इस तरह कोई फेस टू फेस में वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ अभी सावन मंथ चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी तीज पर और बताया था, यहाँ सावन में हर लेडीज, सभी लड़कियाँ मोस्ट प्रोबेबली ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो मैं भी जब से नेपाल आई हूँ तो हर सावन में इस तरह की बैंगल्स पहनने लगी हूँ। आज का वीडियो होने वाला है मेरे इस टैटू को लेकर। जी हाँ, मैंने मई में ये टैटू कराया था। उसके बाद मुझे बहुत सारे डीएम आए थे कि मैंने किस चीज़ से रिलेटेड टैटू कराया, क्या प्रोसेस है, पेन होता है या नहीं होता है, और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो ये सभी क्वेरीज का उस टाइम पर जवाब देना थोड़ा जल्दी होता। अभी मुझे 3 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं टैटू कराए हुए। किस तरह का मेरा ये टैटू वाला एक्सपीरियंस रहा है, क्या मैंने कराया है, अगर आप टैटू कराना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब इस वीडियो में होने वाला है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं कि मैंने टैटू कैसे कराया, क्या मेरी प्रोसेस रही, वो देखते हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, टैटू कराने के बाद क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, पेन था या नहीं था, क्या सब प्रोसीजर हुआ, या अगर हम टैटू कराने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब आगे वीडियो में आने वाला है। तो वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिए। ये है वो टैटू हाउस जहाँ से मैंने टैटू कराया था। बाहर इन्होंने काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी शो किए हुए हैं। तो इस तरह की आवाज़ आती है इस मशीन से। और ये देखें, इन्होंने टैटू बनाने से शुरू करने से पहले इन्होंने मुझे बोला कि मैं टैटू की तरफ देखती रहूं तो मुझे पेन नहीं होगा, और अगर मुझे पेन हो तो मैं इन भैया को बता दूं। लेकिन इन्होंने इतना अच्छे से टैटू बनाया कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। और आप देखें, पहले इन्होंने मेरे मन चाहिए टैटू को, मेरी मनपसंद के किस साइज़ में मुझे ये टैटू बनवाना है, उससे यहाँ पर वो ट्रेस किया, और उस ट्रेसिंग के ऊपर ये अब कलर फिल करना शुरू करते हैं। यही प्रोसेस होती है, और बिल्कुल भी पेन नहीं होता, ऐसा नहीं कहूँगी। पेन होता है, बहुत थोड़ा पेन होता है, लेकिन जैसे कि बस थ्रेडिंग कराने में होता है। ये भैया वही बोल रहे थे, आप डरिए मत, पेन उतना ही होगा जितना थ्रेडिंग कराने में होता है। और सीरियसली मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा था अगर ये मुझे पेन हुआ तो मैं सिर्फ माँ लिखवाऊँगी, पाव आगे मैं ऐसा छोड़ दूंगी। लेकिन मैंने टैटू कंप्लीट कराया, और विद इन 25 मिनट से भी कम मुझे टाइम लगा टैटू बनवाने में, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी भैया को डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत अच्छे से मेरा टैटू बना। देखिए इस तरह से मेरा टैटू कितना अच्छा दिख रहा है। मैंने यहाँ पर इस हार्ट में फिल कराया था, वही भैया मुझसे पूछ रहे थे, रेड कलर से फिलिंग कराई थी। अब ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। अब यहाँ जो कहीं कहीं भैया को स्किन दिख रही थी, रिफिल करते हैं कलर फिर से, जहाँ उन्हें लगता है कि कलर थोड़ा लाइट रह गया है या नहीं हुआ है, तो एक बार कंप्लीट करने के बाद से वो फिर से रिफिल करते हैं, और बिल्कुल भी पेन उतना नहीं होता। हाँ, फिलिंग वाले टैटू में या बड़े टैटू जो लोग बनवाते हैं शायद उसमें पेन हो सकता है, इस तरह के वर्डिंग्स वाले में बिल्कुल पेन नहीं हुआ। अब ये देखिए, ये भैया इसमें फिलिंग कर रहे हैं रेड कलर, हालांकि बहुत छोटा सा हार्ट था, तो मुझे इसमें पेन हुआ फिलिंग वाले में थोड़ा, क्योंकि ये जगह भी थोड़ा सॉफ्ट थी, तो हो सकता है उस वजह से, क्योंकि यहाँ पर स्किन थिन होती है। और जब आप टैटू कराएं तो ध्यान रखें कि निडिल जो वो यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल न्यू पैकेजिंग से निकाली हुई हो, यूज्ड ना हो, नैपकिन है या जो भी लोशन है, फोम है, सब कुछ न्यू ही यूज़ करें, ये एक बात आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। और अब ये देखिए, मेरा टैटू कंप्लीट है, ये है मेरे टैटू का फाइनल लुक। और ये जिस तरह से प्रेस करके क्लीन करते हैं, मुझे देख कर लगता था कि दर्द होता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए कितना ब्यूटीफुल निकल के आया है। उन्होंने मुझे यहाँ पर वैसलीन एडवाइस किया था कि वैसलीन लगानी, और मुझे रहे थे कि रब नहीं करना है, हल्के से डैब डैब करके लगाना है। उसके बाद इन्होंने मेरे हाथ पर क्लिंग रोल रैप किया था, क्योंकि मेरा टैटू जो है उतना बड़ा भी नहीं था, तो इसलिए क्लिंग रोल से मेरा काम चल गया। और ये देखिए मेरी खुशी चेहरे की, से देखकर आपको पता चलेगा कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ है। ये है मेरा टैटू नेक्स्ट डे। देखिए नेक्स्ट डे इस तरह से ब्लड और कुछ थ्रेड सा आपको फैला हुआ दिखता है, इसे देखकर बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन्होंने बताया था कि नैपकिन से डैब डैब करना है और गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, और इसे सिर्फ वैसलीन अप्लाई करते रहना है। तो देखा, ये था मेरा टैटू। बहुत सारे मिसलीडिंग वीडियोस आजकल बनाए जा रहे हैं यूट्यूब पर कि हम टैटू कराते हुए बेहोश हो गए, चीख रहे हैं टैटू बनाते हुए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया अभी,
बिल्कुल, जैसे कि थ्रेडिंग, वैक्सिंग भी कहें तो बहुत हाई होगा, वैक्सिंग जैसा भी नहीं, थ्रेडिंग करने में जितना पेन होता है फुल ग्रोथ में, उतना ही पेन आपको ही होता है। मैं इतना ज़्यादा डरती हूँ सीरिंज को लेकर, इंजेक्शन को, मतलब एक सीरिंज देखने में ही मेरे को इतना डर लगता है। लेकिन मेरा भी यही था कि मैं टैटू कराऊँ या नहीं कराऊँ। मैं जब वहाँ गई, अगर आप टैटू कराने वाले हैं, सबसे पहले तो देखिए कि आप टैटू क्यों करा रहे हैं, किससे, किसके नाम के लिए करा रहे हैं, या बस ऐसे ही आपके फ्रेंड्स ने कराया तो आप भी करा रहे हैं। अगर ये मन है तो ये बिल्कुल आप टैटू ना कराएं। सबसे पहले मैं टीनेज बच्चों को कहूंगी, आप बिल्कुल टैटू ना कराएं, क्योंकि इस एज में हम दूसरों के इन्फ्लुएंस से टैटू करा लेते हैं, लेकिन बाद में हमें लगता है ये वेस्ट हो गया। परमानेंट टैटू होता है, हालांकि आप इसे कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट कराकर हटाकर ये बहुत गंदा दाग जैसा दिखता है। बहुत सारे मैंने इस पर देखा है, रिसर्च किया है, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले आप टैटू क्यों करा रहे हैं, मैंने टैटू क्यों कराया था, मेरी सिस्टर ने, मुस्कान ने टैटू कराए थे, जिसके क्लिप्स भी मैं ऐड कर दूंगी। उसे देखने के बाद मेरा मन बहुत हुआ कि मैं भी टैटू कराऊं। अब टैटू कराना है तो मतलब सुई से ही होगा, पेन भी बहुत होगा, जब एक इंजेक्शन लगाने में इतना होता है तो आप कुछ मतलब पूरे हाथ पे करवा रहे हैं, बॉडी पे, तो ज़्यादा पेन होगा। तो मेरी कभी हिम्मत नहीं टैटू कराने की। फिर मदर्स डे पर मेरा मन हुआ कि अपनी मम्मी के लिए कुछ करूँ, अब इतनी दूर हूँ तो क्या कर सकती हूँ, और पास रह के भी हम लोग मदर का क्या पे ऑफ कभी भी नहीं कर सकते। मेरे मन में आया कि मैं टैटू बनवाती हूँ अपनी मम्मी के नाम का। फिर मैंने थोड़ा ढूंढना शुरू किया, टैटू के डिज़ाइंस आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, मैंने ढूंढना शुरू किया, तो फिर मुझे माँ से रिलेटेड बहुत सारे हुए मिले टैटू। फिर मुझे मिला ये माँ पा, फिर जब मैंने सोचा कि वाई माँ ओनली, पापा क्यों नहीं, मतलब पापा भी तो इक्वली होते हैं हमारे लिए, तो फिर मैंने ये मापा का टैटू चूज़ किया। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ, जैसे ही मैं गई, मैंने मतलब ऐसे नहीं कि आज सोचा, माइंड में आया और बस टैटू कराने पहुँच गई, ऐसा नहीं। आप हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आराम से सोचिए कि आपको टैटू कराना है नहीं कराना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो टैटू है आपकी बॉडी पर आपके साथ हमेशा रहने वाला है। डिज़ाइन क्या लिखवाना है, कुछ इनिशियल्स लिखवाने, बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन चूज़ कीजिए। किसी के भी इन्फ्लुएंस में मत आइए, सजेशन सबके लीजिए, हो सकता है, मतलब जिन्हें आप सोचते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, जिन्हें नॉलेज है, तो सजेशन लीजिए, लेकिन लास्ट जो डिसीजन है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि टैटू आपकी बॉडी पर बनने वाला है। थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप टैटू कहाँ करा रहे हैं। आजकल टैटू के हर जगह शॉप्स खुले हैं, और मतलब सभी जगह पे आप देखेंगे रश मिलेगा, लेकिन आप पहले एक दो जगह जाइए, सबसे पहले रेट कंफर्म कीजिए, हाइजीन देखिए, पूरा प्रॉपर आप तसल्ली कीजिए। जैसे मैं गई थी, यहाँ पर बहुत सारे टैटू हब्स हैं, लेकिन मैं 2-3 जगह जो फेमस मेरे फ्रेंड्स सर्कल से मुझे पता चला, मैंने उन 2-3 को ट्राई किया। पहले मैंने उनसे जाके बात की कि आप किस तरह से प्रोसीजर है टैटू बनाने का, कितना टाइम लगता है, टैटू बनाने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन रखनी होती है, किस तरह से ये हील होता है, ये सारी जानकारी पहले मैंने जाके फेस टू फेस टैटू बनाने वाले भैया से ली। ऐसा नहीं कि किसी का एक्सपीरियंस सुना और टैटू बनाने चले गए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले जाइए, उनका हाइजीन देखिए कि वो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, और उनके बनाए हुए टैटू किस तरह के हैं, उनके डिज़ाइंस देखिए। और मतलब टैटू में एक प्रॉब्लम होती है कि आपका टैटू विद इन मंथ, कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि फेड हो जाता है और उन्हें फिर से रिफिल कराना पड़ता है, पे करके, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपको रिफिल कराने के लिए। तो आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि मैंने जिस जगह से टैटू कराया है, मेरा टैटू बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ, अभी 3 महीने हो चुके हैं और बिल्कुल भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी कोई देखता है तो सब तारीफ करते हैं कि बहुत डार्क और बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इसीलिए पहले ये सब चीज़ें पता कीजिए, और आप शुरुआत कीजिए थोड़ा छोटे टैटू से। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप हंसेंगे सुन के, मैंने मापा का डिज़ाइन लगाया था, और जब मैं 2 बार उन भैया से बात करके आई, थर्ड डे मैं गई और मैंने कहा कि हाँ टैटू बनवाना है, तो उन्होंने मुझे 3 साइज दिए मेरे टैटू के डिज़ाइन के। तो मैंने चूज़ किया सबसे छोटा, हालांकि वो भैया भी शौक हो गए कि इतना छोटा, एक तो मुझे यहाँ बनवाना था, तो यहाँ ये जो थोड़ी सेंसिटिव जगह होती है, मैं यहाँ बनवाने चाह रही थी। उन्होंने बोला कि यहाँ वेन्स होती है, स्किन थिन होती है, तो यहाँ पेन ज़्यादा होगा, आप जहाँ कहोगे मैं बना दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया यहाँ पेन ज़्यादा होता है, यहाँ उतना नहीं होता, ये चीज़ में नहीं होता, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये, जहाँ आपकी स्किन थिन है, वेन्स ज़्यादा विजिबल है, वहाँ पेन आपको ज़्यादा होगा। और अगर आप फिलिंग वाला टैटू बना रहे हैं तो उसमें भी ऑब्वियसली पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक ड्रॉ करते हैं, उसे फिल करते हैं,
तो वो तो ऑब्वियसली पेन होगा, लेकिन बियरेबल होता है, आप उसे सहन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो पहले छोटे टैटू से शुरुआत कीजिए। मैंने जैसे ये वर्ड्स वाला टैटू लिया था, मेरा इसमें सिर्फ ये हार्ट वाला पोर्शन फीलिंग का था, इसमें मुझे थोड़ा पेन महसूस हुआ। आपने देखा भी होगा मेरे एक्सप्रेशन देख के, मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा था। मेरे को लगता है कि अपर लिप्स या थ्रेडिंग में उससे ज़्यादा पेन होता है, टैटू में बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। और आफ्टर केयर में उन्होंने मुझे बताया था सिंपली कि इसे पानी से बचा के रखना है, क्योंकि मेरे को यहाँ मैंने टैटू बनवाया था, ये चीज़ पानी में। और एज ए हाउस वाइफ, अगर आप हाउस वाइफ भी नहीं हैं एक बार को, तो आप कुकिंग भी करते हैं, क्लीनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये पोर्शन आपको पानी से बचा कर रखना होता है। पानी में जितना आपका हाथ जाएगा या टैटू जितनी बार आप पानी के कांटेक्ट में आएगा, उतना ही ये फेड होता जाएगा। मतलब वो पानी के बार बार कांटेक्ट में आने से क्या होता है, स्किन से हमारा ये जो कलर फिल करते हैं वो निकलता रहता है, तो टैटू आपका उतना अच्छा डार्क नहीं बनेगा और 100% आपको दोबारा से रिफिलिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत प्रिकॉशन के साथ अपना हाथ बचा के काम किया है कि जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा टच ना हो। हर टैटू आर्टिस्ट अलग अलग चीज़ें बताया, जैसे मेरी बहन ने बनवाए थे तो उसे बताया था बेबी ऑयल लगाने के लिए, किसी तरह का कोई भी मेडिकेटेड उन्होंने ट्यूब वगैरह कुछ भी रिकमेंड नहीं किया था उसे। और सेम जहाँ से मैंने टैटू बनवाया है, उन्होंने मुझे सिंपली वैसलीन अप्लाई करने के लिए कहा था, और वो भी इस तरह से, हमें टैटू पर कोई भी ऑइंटमेंट रब नहीं करना होता, इस तरह से डैब 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 करके। क्लीनिंग का क्या है, आपको जब भी अगर आपका हाथ या आपका टैटू गलती से पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, तो एक सिंपल नैपकिन लेकर, सॉफ्ट और क्लीन नैपकिन लेकर आपको डैब डैब करके इस तरह से अपने टैटू को सुखाना है, क्योंकि पानी लगने से कलर खराब होता है। मे बी और किसी को इन्फेक्शन भी हुआ हो, लेकिन मेरी नॉलेज में जिस तरह का मेरा छोटा टैटू है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, तो ये कलर जाने का डर रहता है, इसलिए आप पानी के कांटेक्ट में आने से बचें। जिस तरह की एडवाइस आपका टैटू आर्टिस्ट आपको देता है, उस तरह से उसे फॉलो करें। जैसे जैसे आपका टैटू हील होने लगता है तो उसमें इस तरह की पपड़ियां आने लगती है और इचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसे स्क्रेप नहीं करना है, इसकी स्किन नहीं उतारनी है, ये ऑटोमेटिकली जैसे चोट से खुद स्किन निकल कर अलग हो जाती है तो वो अपने आप हो जाता है, और इचिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरा टैटू 20 डेज में पूरी तरह से हील हो गया था। डरने की कोई भी बात नहीं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता, और पेन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं तो जब वहां गई थी तो जैसे भैया ने उन्होंने सिरिंज निकाला, तो सुई देखते ही मेरा मतलब मन क्या बदला कि अगर मेरे को पेन हुआ तो सिर्फ माँ लिखवाऊंगी, पा छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से मेरा टैटू बन गया, और मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैंने ये अपने मम्मी पापा के लिए किया, बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं जल्द ही यहाँ पर इस हैंड पर, यहाँ पर एक बड़ा, यहाँ से एल्बो से लेके यहाँ तक एक बड़ा टैटू प्लान कर रही हूँ। डिज़ाइन वगैरह सब मैंने फाइनल कर लिया है, लेकिन अभी क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है और उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, बार बार पसीना आता है, तो इस सीजन को छोड़कर जैसे ही थोड़ा मौसम ड्राई होता है तो जल्द ही मैं अपने दूसरे बड़े वाले टैटू का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी दूसरी वीडियो के थ्रू। आई होप आपके लिए मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरे सजेशन पसंद आए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिल सकें। आजकल मैं वीक में ऑलमोस्ट 5 से 6 डे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर शॉर्ट्स पर जाकर वीडियो शॉर्ट्स पर क्लिक कीजिए, वहाँ आपको मेरे सभी शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।